पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर लालघाटी स्थित पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माल्यार्पण किया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रवाद की एक विचारधारा थे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे प्रेरणा स्रोत और राष्ट्र के नायक हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रेरणा स्रोत के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मार्गदर्शन दिया था और रास्ता दिखाया था। वे राष्ट्रवाद के मानवता की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और मानवता की सोच विचारधारा पे अगर हम लोगों को चलना हो तो वासुदेव कुटुंबक पूरा विश्व एक परिवार है, उसी सोच विचारधारा के साथ हमें आगे चलना होगा और जनसंपर्क अभियान उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जनता के साथ मिलकर कार्य करना, जनता की आशा और अभिलाषाओं पर पूरी तरह से खड़े उतरना, राष्ट्र सोच और विचारधारा के साथ आगे चलना, यही हमारी पार्टी के सिद्धांत है। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनसंपर्क मानवता की महत्वपूर्ण अंग है। मानवता की सोच विचारधारा पर अगर हमें चलना है तो वसुधैव कुटुंबकम के मुताबिक पूरा विश्व एक परिवार है, उसी सोच विचार के साथ हमें आगे चलना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सदैव जनता के साथ मिलकर कार्य किया है और बीजेपी को जनता की आशा और अभिलाषा पर खरा उतरना है कि जो उत्पादन निकलता है उसका 10% दाम भी उत्पादन का, उदाहरण के तौर पर अगर टमाटो 100 हो पर उसमें जो टमाटर जाता है उसका 10% दाम टमाटो सॉस का भी किसान को नहीं मिलता था। आज किसान को केवल असली दाम नहीं लेकिन उसे आगे बढ़कर कोऑपरेटिव फार्मिंग में साथ में मिलकर उसकी बढ़ोतरी भी करने की क्षमता उसे मिलेगी, तकनीकी और विज्ञान की क्षमता भी उसकी बढ़ेगी और किसान को समृद्ध बनाने के लिए ये एक ऐतिहासिक कदम है। जो राजनीतिक दल लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, समर्थन मूल्य तब भी लागू था, आज भी लागू है और भविष्य में भी लागू होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 साल में गेहूं के समर्थन मूल्य में 41% वृद्धि लाई है, धान के समर्थन मूल्य में 50% वृद्धि लाई है और दाल के समर्थन मूल्य में 63% वृद्धि लाई है और वहीं खरीदगी गेहूं की 50% बढ़ी है, धान की 60% और दाल की तो 5000% बढ़ी है। तो किसान को खुलकर आगे आकर अपना हक देने का कदम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर किसान को स्वतंत्र बनाने का ऐतिहासिक कदम लिया है और प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र सिंह तोमर जी को, तीनों को मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कृषि बिल को लेकर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह एक अग्रिम कदम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। जो 70 साल के बाद असली आज़ादी आज किसानों को मिली है, अब पूरी तरह से किसान कहीं भी किसी को भी अपनी फसल बेच सकते हैं, वह पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।